भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मैथ्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेस किसने कहा और इसका मतलब क्या है? आपने बिहार से ब्रेन ड्रेन की समस्या का जिक्र किया, सबसे पहले तो ये बताएं ब्रेन ड्रेन होता क्या है? May I come? Come in. नमस्कार नमस्कार नमस्ते, आइए बैठिए रजनीश। थैंक्स। सहज हो गए? यस सर। कंफर्टेबल? यस सर। अपना परिचय दीजिए। सर, मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के विद्यालय से की है। उसके बाद 2011 में पीसीएम में इंटरमीडिएट किया। 2017 में मैथमेटिक्स ऑनर्स बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से किया। उसके बाद सर मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। 17 में आपने कर लिया, उसके बाद 6 साल 7 साल निकल गए। विलंब क्यों हो रहा है? कुछ कमियाँ पकड़ में आ रही हैं तैयारी में? क्या क्या कमी रह जा रही है? ये सर मैं इस बार दूर करने का कोशिश किया हूँ और मेरे कुछ क्वेश्चन छूट जा रहे थे सर स्पीड की वजह से। तो लिखने की गति धीमी है सर, इस बार मैं कंप्लीट किया। एक कमी ये थी, उसको आपने थोड़ा सा बेहतर किया है। और कौन कौन सी कमियाँ आपने दुरुस्त की जिससे आपका रिजल्ट होने लग गया? सर डेटा फैक्ट रिपोर्ट इन सब चीज़ों को पहले मैं शामिल नहीं करता था, अब आंसर को पुष्ट करने के लिए इन चीज़ों को शामिल करता हूँ। मेंस में आप डेटा का इस्तेमाल फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं? जी सर। पहले नहीं कर रहे थे? कम कर रहा था। तो ये दूसरी एक सुधार आपने की। और सर मुख्यतः ये दोनों गलतियाँ थी सर, क्वेश्चन छूट जा रहे थे इसलिए थोड़े मार्क्स से रह जा रहा था मैं। अच्छा। सर मेंस में तो आप नोट्स जब तैयार करते हैं तो क्या पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल करते हैं या दूसरे नोट्स की नकल करते हैं? सर मैं पाठ्य पुस्तक को भी पढ़ता हूँ और उससे भी कुछ कंटेंट लेता हूँ और वेबसाइट और कुछ नोट्स भी सर कोचिंग के। ये शुरू से पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते रहे हैं कि वो भी हाल फिलहाल में शुरू किया? सर मैं शुरू में पाठ्य पुस्तक से ही अपनी तैयारी शुरू की थी, उसके बाद सर मैं नोट्स पे आया था और नोट्स से कुछ जो पाठ्य पुस्तक में कमी रहती है या फिर अब दोनों की ब्लेंडिंग करते हैं, दोनों मिलाते हैं। जी सर। ठीक है, तो एक तीसरा सुधार ये हुआ। और कुछ जीवनचर्या में दिनचर्या में कुछ सुधार किया है आपने? सर दिनचर्या में सर लगभग पहले जैसा ही है वो। क्या पढ़ाई के घंटे पहले कम थे अब ज़्यादा कर दिए या पहले ज़्यादा थे अब कम कर दिए? सर औसत रूप से मैं जितना पढ़ता था उतना ही पढ़ता हूँ, 8 घंटे के करीब मैं पहले भी पढ़ता था सर। आज भी उतना ही पढ़ते हैं? जी सर। तो घंटे उतने ही हैं लेकिन रिजल्ट उसका चेंज हो गया। जी सर। मतलब पढ़ाई की गुणवत्ता आपने बेहतर कर ली। उसी प्रकार से पैसे सरकार बहुत खर्च करती है। जी सर। बिहार में हो या अन्य राज्यों में, लेकिन जितना फल निकलना चाहिए जितना जन कल्याण होना चाहिए उतना जन कल्याण हो नहीं रहा है। अब देखिए कि पुल बनाने में करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर दिए बिहार सरकार ने और सब पुल ध्वस्त हो गए। तो लगभग वैसा ही हुआ जैसा कि आपका आरंभिक अनुभव था कि आपने समय लगाया, धन लगाया, ऊर्जा लगाई और रिजल्ट ध्वस्त हो जाता था। अब चूंकि आपको वो अनुभव है व्यक्तिगत स्तर पर, आप अगर प्रशासन में आते हैं तो क्या करेंगे कि ये पुल न ध्वस्त हुआ करें? सर पुल ध्वस्त होने में सर 2-3 मेजर रीजन है। सबसे पहला तो सर बिहार का टोपोग्राफी है सर। बिहार के टोपोग्राफी की वजह से भी सर पुल को ध्वस्त होने सर बाढ़ के समय में ये चीज़ें। अच्छा, भूमि की बनावट ही ऐसी है सर, ऐसी है। तो इसका मतलब कभी भी वहाँ पुल टिकेंगे नहीं? नहीं सर, जितना बजट मिलना चाहिए सर और जितना खर्च होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों के बनाए हुए पुल तो बड़े टिके हुए हैं 100-100 साल से। टोपोग्राफी तो वही अंग्रेजों के लिए भी थी। तो सर पहली बात की तब उतने बड़े पुल नहीं बनते थे, अब थोड़े बड़े पुल बने। कोइलवर पुल कितना बड़ा है? वही कोइलवर पुल अंग्रेजों के जमाने का। गंगा पुल? यस सर, 1 किलोमीटर करीब है कोइलवर पुल। गंगा ब्रिज 5 किलोमीटर का टिका हुआ है, ध्वस्त नहीं हुआ। लेकिन सर उसकी भी ड्यूरेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उसके तुलना में कम है। 1980 के बाद सर 2010 तक में वो पुल चलने लायक नहीं रहा था सर। गांधी सेतु फिर से हम लोग जवाहर पुल है सोन नदी पर डेहरी में, वो चल रहा है लंबे समय से, वो पुराना है। तो पुराने पुल पुराने भवन, अब देखिए मध्यकाल के भवन है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, वो सब टिके हुए हैं और आजकल जो नए भवन बन रहे हैं वो ध्वस्त हो जा रहे हैं। जी सर। तो आपको नहीं लगता है कि आजकल जो डिज़ाइन है इंजीनियरिंग का, क्या या तो उसमें कुछ खामी है या उसको लागू करने वाले जो लोग हैं, प्रशासक हैं, ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, उनकी गुणवत्ता में और निष्ठा में कमी है? सब तरफ से सर कहीं ना कहीं कोई कमी है, इस वजह से सर इतने खराब आउटकम रह रहे हैं। तो सबसे पहला तो सर बनाने में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं उसमें सर कटौती हो रही है, गुणवत्तापूर्ण नहीं हो रहा। दूसरा सर एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ कि अन्य राज्य खास करके दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में सर सेम लेंथ के और सेम सर चौड़ाई के 2 लेन के ही पुल बनाने में बजट सर उधर ज़्यादा मिलते हैं, तुलनात्मक रूप से बिहार में कम मिलते हैं। दूसरा सर। तीसरा सर उसकी जो बिडिंग प्रक्रिया होती है पुल की बनाने के लिए, जो ठेकेदारी दी जाती है, ऑक्शनिंग दी जाती है। तो सर ये चीज़ भी कहीं ना कहीं सर पुल को कमज़ोर करने में या ध्वस्त करने में सर वो ईमानदारी से वो ऑक्शन नहीं हो रहा है। ऑक्शन सर ईमानदारी से हो रहा है, लेकिन सर इधर बिल्डर तरफ से जो बनाते हैं उनकी कोशिश होती है कि कम से कम कीमत पे सर उसको लिया जाए। तो इसका मतलब मंत्री जी की निगरानी व्यवस्था कमज़ोर है। हाँ सर, जैसा मैं पहले बताया हूँ सर कि सब स्तर पे कुछ न कुछ कमी है सर। चलिए ठीक है सर। गणित विज्ञानों का राजा है, ये किसने कहा और इसका मतलब क्या है? मैथ्स इज द किंग ऑफ ऑल साइंसेज, किसने कहा और इसका मतलब क्या है? सॉरी सर, मैं किसने कहा इसे मैं अभी तक नहीं पढ़ पाया हूँ। क्यों इसको कहते हैं कि किंग ऑफ ऑल साइंसेज, सभी विज्ञानों का राजा? क्योंकि सर ये मेनली फंडामेंटल साइंस का हिस्सा है सर, और जो बेसिक न्यूमेरेसी है सर मैथमेटिक्स के थ्रू ही देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे सब केमिकल इक्वेशन है केमिस्ट्री में, तो केमिकल इक्वेशन में ही गणितीय अनुपात को ही ध्यान रखेंगे तभी उस हिसाब से हमें मिलते हैं। उस तरीके से सर फिजिक्स में भी जो भी मेजरमेंट है, इस तरीके से सर अलग अलग विषय में सर इसका। ठीक है, उसको राजा क्यों कहते हैं? सर राजा कहने का मतलब कि सर सब में ये योगदान देता है सर, सब जो योगदान देता है वो राजा है। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो कंसेप्ट है तो उसमें तो सब एक दूसरे को योगदान देते हैं, तो फिर मैथ्स ही क्यों राजा है? क्योंकि सर मैथ्स का कंट्रीब्यूशन बड़ा है सर, और ये बड़े स्तर पे सब राजा इसलिए क्योंकि वो बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। आपकी नज़र में या कोई और कारण है? सॉरी सर, मैं इसे फिर से देखने की कोशिश करूँगा। मुजफ्फरपुर का नाम मुजफ्फरपुर क्यों पड़ा? सर ब्रिटिश राज के समय में मुजफ्फर खान नाम के एक लैंड रेवेन्यू कलेक्टर थे, आमिल बोला जाता था मुजफ्फर खान, उनके नाम पे सर मुजफ्फरपुर पड़ा है। एक और सर कहावत है कि मुदफलपुर से भी कहा जाता है, मुजफ्फरपुर लीचियों की भूमि है तो मुदफलपुर मुजफ्फरपुर हो गया। और भी भारत में कहीं मुजफ्फरपुर है या मुजफ्फर के नाम से और कोई जगह? यह सर भारत में मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है सर। वेरी गुड। बिहार के विकास का आपके दिमाग में कोई मॉडल है? क्योंकि बिहार पिछड़ा है, हम सुन सुन के थक गए। यस सर। कोई 3-4 ऐसा क्रांतिकारी स्टेप बताइए जो बिहार को उठाना चाहिए जिससे बिहार एक विकसित या विकासशील राज्य बन सके। तो क्या 3-4 कदम उठाए जाने चाहिए? सर किसी भी राज्य के विकास के लिए या फिर उसके डेवलपमेंट के लिए ऑब्जेक्टिवली 3 पॉइंट बोलिए। ओके सर, सबसे पहला सर माइक्रो लेवल पे प्लानिंग की कमी है सर। मैं कमी पूछ ही नहीं रहा हूँ, 3 उपाय बताइए। ओके सर, तो सबसे पहले सर अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर ज़िले का एक डीपीआर तैयार कराऊंगा, और वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन, वहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहाँ के एग्रीकल्चर की पोटेंशियल, इंडस्ट्री की पोटेंशियल को पहचानूंगा। यानी ओवरऑल सर पॉलिसी ये डीपीआर के लेवल पे ये करूँगा। दूसरा पर सर जहाँ ज़रूरत होगी उस हिसाब से मैं इंडस्ट्री, एजुकेशन, जहाँ जो कमी होगी उसको दूर करने का कोशिश करूँगा। तीसरा सर, आपके पास ब्लैंकेट विज़न नहीं है, आप कराएंगे तो ये तो फिर चल ही रहा है जब से देश आज़ाद हुआ है। फिर फाइनली आप सर्वे कराएंगे, फिर देखेंगे ये पोटेंशियल होगा नहीं होगा। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, यस सर, उसने तो हर ज़िले का नहीं कराया, सीधा इंडस्ट्री शुरू किया और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए तो ऐसा है नहीं कि हर उत्तर प्रदेश के ज़िले का या हरियाणा के, पंजाब के ज़िले का किया गया। फिर कृषि में बॉम्बार्ड किया गया टेक्नोलॉजी को, ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर श्वेत क्रांति आई, पशुपालन। तो इससे कोई ब्लैंकेट योजना आपके पास है बिहार के लिए? जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, श्वेत क्रांति है, पिंक क्रांति है। सर हमारे पास बिहार में जो सबसे पोटेंशियल है सर उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड है सर। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? उसके लिए सर सबसे पहले स्किल के लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है सर उसको मैं और तीव्रता से बनाने का और बढ़ाने का कोशिश करूँगा। यूथ में उन चीज़ों को लेकर के बढ़ावा दूंगा सर। रजनीश, डेमोग्राफिक डिविडेंड का आपने जिक्र किया, क्या होता है ये? सर डेमोग्राफिक का एक ऐसा कंडीशन होता है डेमोग्राफी का जिस समय में वर्किंग पॉपुलेशन तुलनात्मक रूप से जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है उसके तुलना में अधिक होते हैं। ठीक है, इसको सर जब इकोनॉमी में बूस्ट कराने में, डेवलपमेंट में जब ये योगदान देते हैं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहलाता है। ठीक है, इंडिया में जो करंट सिनेरियो है, जो यूथ पॉपुलेशन है और जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, इसके 2 पक्ष हैं। एक तो हमारे पास ये एडवांटेजेस सिचुएशन है कि हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ उठा सकते हैं। सर दूसरी एक नेगेटिव सिनेरियो जो जिसके बारे में बात की जा रही है वो है डेमोग्राफिक डिज़ास्टर। यस सर, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है कि ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है वो एडवांटेज से डिज़ास्टर में ना बदले? तो सबसे पहले जो भी सर पॉपुलेशन है उनको कोशिश करना चाहिए ह्यूमन रिसोर्स में सर, जो HDI हमारा है वो लो है, तो HDI बढ़ाने की ज़रूरत है, एजुकेशन, हेल्थ, पर कैपिटा इनकम, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए तो सर स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, इन चीज़ों पे काम करना होगा सर। जो इनइक्वालिटी है सर रूरल और अर्बन लेवल पे या फिर इंटरस्टेट इंट्रास्टेट जो इनइक्वालिटी है उनको दूर करना होगा सर। और सर एक ब्रेन ड्रेन की समस्या हमारे यहाँ है, बिहार में खास करके है और भारत में भी है सर, तो उन चीज़ों को रोकने की समय की मांग है सर। ठीक है। और सर डिजास्टर में सर अगर इनको हम स्किल नहीं दे पाएंगे, एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, तो वो डेमोग्राफिक डिजास्टर हो। भारत में युवा कैसे माना जाता है सर? भारत में युवा 18 साल से लेकर 25 साल तक, ऐसा युवा मंत्रालय के तहत है। 25 है या 29 है सर? युवा मंत्रालय में, खेल एवं युवा मंत्रालय में सर 25 है, ऐसे 29 भी सर माना जाता है। 18 से 25 वर्ष की आयु के बीच के लोगों को युवा माना जाता है। ठीक है। आप मुजफ्फरनगर से आते हैं। कुछ समय पहले मुजफ्फरनगर से लीचियों के संबंध में कुछ खबर आई थी। यस सर। क्या था मामला सर? मुजफ्फरपुर लीची के लिए जाना जाता है। देश का लगभग 40% लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है। एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, जिसको जापानी इंसेफेलाइटिस भी बोलते हैं, AES या फिर JE, तो सर इसकी ये बढ़ गई थी और बच्चे में, खास करके 5 साल के आसपास के उम्र के बच्चों में सर ग्लूकोज लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता था। बढ़ जाता था या घट जाता था? सॉरी सर, मुझे देखना पड़ेगा, श्योर नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या स्थिति है? क्या इस स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका है? यह सर काफ़ी हद तक पाया जा सका है, क्योंकि 2018 के बाद बड़े मात्रा में सर नहीं हुए हैं। ठीक है। ये बताएं कि जो प्राइमरी एजुकेशन है सर, उसकी एक जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है साक्षरता बढ़ाना। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी तक पहुँचा सकते हैं सर? प्राइमरी एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में एजुकेशन के अलावा सर सबसे पहला मोरल एजुकेशन सर, नैतिक शिक्षा। ठीक है, नैतिक शिक्षा है। दूसरा सर डिसिप्लिन। ठीक है। इसके इतर सोच के देखिए, क्या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं प्राइमरी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू? जैसे हम ICDS के थ्रू, आंगनबाड़ी के थ्रू कर रहे हैं सर। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन भी इंश्योर कर सकते हैं बच्चों का, मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स के थ्रू। ठीक है। रजनीश, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, आपने बिहार से ब्रेन ड्रेन की समस्या का जिक्र किया सर। सबसे पहले तो ये बताएं ब्रेन ड्रेन होता क्या है सर? जब हमारे यूथ या फिर कोई भी वर्किंग पॉपुलेशन है, अपने यहाँ रोज़गार के बेहतर अवसर न मिलने के कारण दूसरे राज्यों में या देश के स्तर पे बात करें तो दूसरे देशों में सर चले जाते हैं, तो ये ब्रेन ड्रेन होता है सर। तो इसके लिए जिम्मेदारी किसे लेनी होगी? जो व्यक्ति जा रहा है उसे जिम्मेदारी लेनी होगी और उसे अपना पेट्रियाटिक माइंडसेट बना के रखना होगा कि चाहे जो हो जाए मैं बिहार छोड़ के नहीं जाऊँगा, या फिर बिहार को जिम्मेदारी लेनी होगी कि वैसा इकोसिस्टम तैयार किया जाए कि लोग जाए ना छोड़ के। हाँ सर, जैसा मैं समझ पाता हूँ उस हिसाब से अधिकांश लोग मजबूरनवश जाते हैं सर। तो हमें लगता है कि अगर बेहतर अवसर मिले सर स्थानीय स्तर पे, तो अपने घर में अपने कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो वातावरण बिहार के अंदर कि लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े? कुछ 2-3 पॉइंट बताइए बहुत ब्रीफ में सर। सबसे पहला सर, IT सेक्टर में बिहार थोड़ा पीछे है सर तुलनात्मक रूप से, तो अभी पटना में जगह जगह पे सर IT हब बनाए जा रहे हैं ताकि आप वर्क फ्रॉम होम विदेशी कंपनियों से भी कर सके। तो सर एक बड़े स्तर पे अलग अलग बिहार के शहरों में और पटना में भी बड़े स्तर पे IT हब बनाया जाए, एक वर्क कल्चर वहाँ डेवलप किया जाए। ठीक है। दूसरा सर, अनस्किल्ड लोग बाहर जाते हैं सर, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वहाँ पर योगदान देते हैं सर, जो मैनुअल लेबर। यस सर। तो बिहार में सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, इथेनॉल इंडस्ट्री है, वहाँ पर सर उनका पोटेंशियल यूज हो सकता है। ठीक है, बढ़िया सर। रजनीश, भारत की प्रथम महिला उप वित्त मंत्री कौन थी? सॉरी सर, वो बिहार से ही थी। प्रथम महिला उप वित्त मंत्री भारत, इसे देख लूंगा। सॉरी सर। अच्छा। भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? सर मीरा कुमार। बिहार से ही थी? जी सर। बिहार से चुनाव लड़ती थी लोकसभा का? जी सर। किस क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सा था उनका? सर मैं गेस कर सकता हूँ, करिए। जमुई से। सॉरी, एक गलत हो गया गैस। ठीक है। ये बताएं कि बिहार से अभी लोकसभा में कितनी महिला सांसद चुन के आई हैं? सर 5, और ये 25 सालों में सर्वाधिक है सर। 25 वर्ष क्यों चुन रहे हैं जब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं? तो क्योंकि सर बिहार झारखंड एक साथ था सर, तो उसके बाद 2000 के बाद से सर। अच्छा, तो 2000 के बाद वाली अवधि में सर्वाधिक है। सर्वाधिक, तो इसका मतलब पिछले लोकसभा में 4 रहा होगा या और कम रहा? 3 था सर। 3 ही था। और 16वीं लोकसभा में सर? सॉरी सर, मुझे 17वीं और 18वीं का ध्यान है। ठीक है, तो ये महिलाओं की भागीदारी जो बढ़ी है वो क्यों बढ़ी है? क्या सभी पार्टियों ने महिलाओं को टिकट दिया है या कुछ खास पार्टी ने ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया है? ये पांचों महिलाओं किस पार्टी से चुन के आई हैं? सर ये 5 महिलाएं 3 पार्टी से हैं। कौन कौन से? तो सभी पार्टियां दी हैं सर, भाजपा से 2 हैं, एक आरजेडी से है और एक जेडीयू से, 2 जेडीयू से है सर। अच्छा, और महिला विधायिकाएं कितनी हैं सर? जब चुनाव हुआ था तब 26 थी, अभी का सर मुझे देखना पड़ेगा। 2020 में सर चुनाव हुए थे तो 26 जीती थी। ठीक है, और ये क्या आंकड़ा सर्वाधिक है या इससे ज़्यादा विधायिकाएँ पहले थी रह चुकी हैं महिलाएं? इस पे गौर नहीं किया हमने सर, ये ध्यान नहीं दिया। ठीक है रजनी साहब, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए रजनीश, बैठिए। हम तीनों की राय है कि आप इंटरव्यू के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, कोई कतर विरोध करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं। yes, sir. आपका बाहरी व्यक्तित्व, अंदरूनी व्यक्तित्व दोनों सही है, पहनावा ठीक है, आने की शैली, बैठने का भंगिमा वगैरह सब ठीक है। yes. नॉलेज भी बहुत अच्छा है आपका हर विषय पे। तथ्यात्मक कमियां कुछ कुछ हैं, वो सब बिहार की जो उपलब्धि दर्ज करने वाले लोगों की सूची है वो पढ़ लीजिए। उसे पढ़ लूँगा सर, मेंस दे रहा था मैं यूपीएससी का, तो 3-4 दिन से मैं कर रहा हूँ। भारत की पहली महिला उप वित्त मंत्री थी तारकेश्वरी सिन्हा। यस सर, नाम मैं सुना हूं। 58 से 64 तक। एक जगह मैंने आपको वन लाइनर मारने का मौका दिया था, रिवॉल्यूशन वाला यूज़ करिएगा मौका मिले। स्किल रिवॉल्यूशन सर, मैं चाहूँगा बिहार में स्किल रिवॉल्यूशन आए, ये टर्म 2 टर्म आप इंटरव्यू में यूज़ कीजिएगा। एक स्किल रिवॉल्यूशन, एक वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट सारा रिवर उवर सब उसी में आ जाता है। बिहार में वाटर मैनेजमेंट और स्किल रिवॉल्यूशन, ये 2 चीज़ पे मैं जोड़ दूँगा। मैंने बड़ा अच्छा मौका दिया था क्योंकि मैं आपसे इम्प्रेस चल रहा था, तो मुझे लग रहा था। और मैथ्स वाले का आपने आंसर अच्छा दिया, वो भी वन लाइनर था बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू ऑल सब्जेक्ट्स। बिना मैथ्स के कोई सब्जेक्ट नहीं आगे बढ़ सकता, तो उसका योगदान, कोई भी विज्ञान मैथ्स के बिना नहीं चल सकता, इसलिए उसको राजा कहते हैं। दुनिया कोई भी विज्ञान लीजिए जिसमें कैलकुलेशन नहीं। आप हिस्ट्री भी लिख रही तो सन लिख रहे हैं ना, 1947 मैथ्स है, तो बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन। तो वन लाइनर 2-4 और आते तो मतलब बहुत हाई रेट करते हैं कि हम सब ने हाई रेट किया आपको। थैंक यू सर। ठीक है, तो अच्छा है। हिंदी साहित्य में हम लोगों ने ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे, उसमें बिहार से हिंदी साहित्य में योगदान करने वाले लोग हैं उसकी सूची तो आप तैयार रखेंगे ही। विभिन्न कृतियों पर ख़ासतौर पर मैला आंचल को माना जाता है कि 1950 में होने वाली एक घटना थी और उसने साहित्य में एक नवाचार का दौर शुरू किया। आंचलिक उपन्यास, पहले लोग ऐसा करने से शर्माते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों को अपने अंचल के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन लोगों को लगता था कि ये छोटी पहचान वाला साहित्य क्यों रखे, राष्ट्रीय पहचान वाला। तो आदर्शवादी रुझान वाला जो दौर पीछे चला था चायवाद में, उसके बाद दिलेरी से फणीश्वर नाथ रेणु ने अपने गाँव घर की कहानियों को खुलकर लिखा, तो उस पर चर्चा हो सकती है। मैला आंचल पर पढ़ा है? जी सर। हाँ, तो उस पर थोड़ा सा गहन विचार विमर्श करके रखिएगा। थैंक यू सर। कुकिंग आपकी हॉबी है, व्यंजन बहुत प्रकार के, वो हर प्रांत में होते हैं वैसे तो, लेकिन बिहार में जितने व्यंजन हैं अलग अलग रीजन में, मैथिल अंचल का, भोजपुरी अंचल का, मगही अंचल के व्यंजन, बंगाल से लगने वाली जो पूर्णिया कटिहार वाला इलाका है उसके व्यंजन थोड़े अलग हैं। तो रेसिपी या व्यंजन आप पूरी एक सूची तैयार कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है। लेकिन कुकिंग में आप खाली बिहारी व्यंजन तक क्यों सीमित रखेंगे, तो बिहार के बाहर निकल के जो व्यंजन आपको अच्छे लगते हों उस पर भी अपनी तैयारी रखिएगा। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका अंदाज बातचीत करने का अच्छा है, तार्किक ढंग से आप बात रख रहे हैं, अपने संक्षिप्त रूप से पॉइंटेड रख रहे हैं, तो अच्छा रहेगा। आपको कोई संशय हो? पिछली बार इंटरव्यू में कितने अंक आए थे सर? 72। आपके पास पात्रता है और 10-15 नंबर इसमें बढ़ाने के, बढ़ सकते हैं आराम से। आप 85-90 के रेंज में जा सकते हैं सर। लास्ट टाइम मेरा इंटरव्यू आधे के बाद सर ट्रैफिक मैनेजमेंट पे चला गया और वहाँ पे सर ब्लफ करने लगा मैं। ब्लफ तो नहीं करना चाहिए कभी भी, ईमानदारी से मान लेना चाहिए। कभी ब्लफ तो आपने सबक ले ही लिया है, लेकिन कभी नहीं करना चाहिए। ओके सर, लेकिन आप आराम से 85-90 वाले रेंज में पहुंचने योग्य हैं। ठीक है सर। गैप ईयर के लिए सर, जैसे इस बीच मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन और मेरा जेआरएफ है, तो इस चीज़ को सर, वो आपने कहीं लिखा नहीं, लिख दीजिए। यस, वहाँ बताऊँ मैं सर? हाँ हाँ बताइए सर। देखिए, आप एक साधारण गांव के स्कूल से उठकर आप इस स्तर पे पहुंच रहे हैं, ये अपने आप में बहुत उपलब्धि है, और बिहार के सामान्य बालक बालिकाओं के लिए यही मॉडल चाहिए। उनको ये विश्वास कोई नहीं दिला पा रहा है कि तुम गांव के स्कूल से पढ़ के भी शीर्ष तक पहुंच सकते हो। उनको लगता है कि शहर वाले बाजी मार ले जाते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। तो आप विश्वास के साथ अपना लिखिए, ठीक है? ओके सर, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।